सावन के इस पावन त्योहार में स्वातिस किचन में हम आज साबूदाने की खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक कप साबूदाने को 2 से 3 घंटे के लिए फुलो के रख लिया है। साबूदाना छोटे और बड़े 2 साइज के आते हैं। यहाँ पर हमने छोटे साइज के साबूदाने का उपयोग किया है। साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं। इसके साथ हमने 2 बारीक कटे हुए आलू, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और 1/2 कप रोस्ट किए हुए मूंगफली लिए हैं। अब हम साबूदाने की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 4 से 6 चम्मच तेल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जो कटी हुई हरी मिर्च है वो भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च और जीरा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। आलू अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। 2 मिनट बाद हमारे आलू और टमाटर अच्छे से पक गए हैं और अब हम इसमें फूले हुए साबूदाने को डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। साबूदाना और आलू अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए मूंगफली को मिक्सी में पीस कर इसके ऊपर डाल देंगे। इससे साबूदाने में अच्छा स्वाद आता है और साबूदाना अच्छा खिला खिला भी लगता है। आखिर में हम इसके ऊपर 1 कप कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब आप भी इसे बनाकर खाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी।